वेलकम टू ड्राइवर साहब। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी 2+C की AGTE गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती के बारे में, जिसके 3000 प्लस पद जो है वैकेंसी आने को है, और इसके बारे में लेटेस्ट न्यूज अपडेट क्या है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, और छात्रों की आगे की रणनीति क्या होने वाली है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो दोस्तों, अभी तक की सूचना के हिसाब से अभी छात्रों ने जब धरना प्रदर्शन किया था पिछली बार, तो छात्रों को बोला गया था 30 से 45 दिन में आप लोगों की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस भर्ती का कुछ अता पता नहीं है। इसीलिए छात्रों ने फिर ठाना है कि अब 6 जून को धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। बहुत बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन होगा और ये लास्ट धरना प्रदर्शन होगा। इसमें क्लियर हो जाएगा कि वैकेंसी आएगी, कब आएगी, नहीं आएगी, क्या होगा, अगले PT में आएगी या नहीं आएगी, तो सारी बात इसमें क्लियर हो जाएगी और छात्र पूरी बात क्लियर करके ही आएंगे। इसके अलावा आगे की न्यूज अपडेट क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को, AGTE और गन्ना पर्यवेक्षक छात्रों के लिए ये एक टेलीग्राम ग्रुप है, UPSC AGTE के सुपरवाइजर। आप लोग इसको इस नाम से सर्च करके टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, और इसमें बहुत से छात्र ऐड हैं, अपनी अपनी बात डिस्कस करते रहते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को हर बात बोलने की आज़ादी है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड। और इसके अलावा मैं इसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, छात्र रणनीति बना रहे हैं कि AGTE वैकेंसी के लिए क्या किया जाए। तो यहाँ पे सिर्फ धरना दिया जाए, धरना और मंत्री जी से मिला जाए, किसी भी तरह से आयोग पर दबाव बनाया जाए या सब कुछ किया जाए। तो यहाँ पे छात्र जो हैं हर तरह की प्रक्रिया और हथकंडा अपनाने को तैयार हैं वैकेंसी के लिए, और सब कुछ करने को तैयार हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पे छात्र जो हैं अपनी शिकायत भी दर्ज कर रहे हैं इस भर्ती से रिलेटेड। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपनी पूरी ये प्रक्रिया लिख के, जो भी अभी कुछ सब कुछ हुआ है UPSC जो है, मतलब इस भर्ती के बारे में डिटेल दे के मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पे ये शिकायत जो है दर्ज कराई जा रही है छात्रों के द्वारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश कृषि छात्र संघ द्वारा जो है ये लखनऊ में जो है माननीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी को कुछ मतलब ज्ञापन सौंपा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये किसी मतलब कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय से भी रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे भर्ती की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है नीचे ये जो ज्ञापन सौंपा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही जी, इनको ज्ञापन भी सौंपा गया है इस भर्ती से रिलेटेड। और इसके अलावा यहाँ पे छात्र मांग कर रहे हैं कि ये नंबर जो है मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल, इस पे भी आप लोग जो है शिकायत दर्ज कराएं इस भर्ती से रिलेटेड, ठीक है ना। और छात्र जो हैं लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये छात्र ने ट्वीट किया है और कृषि मंत्री जी सूर्य प्रताप शाही जी को टैग किया है यहाँ पे, और अपनी बात पूरी लिखी है कृषि भर्ती से रिलेटेड, ये AGTE गन्ना पर्यवेक्षक के बारे में। और इसके अलावा दोस्तों, ये तो अभी तक की हो गई लेटेस्ट न्यूज़ और छात्रों की रणनीति के बारे में। अब मैं आप लोगों को एक बात अपनी तरफ से बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं आप लोगों को एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि ये वैकेंसी आप लोगों की है, आप लोगों को ही इसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे, और आप लोगों को ही आगे चलना पड़ेगा। रास्ता कोई भी दिखाए, लेकिन भर्ती आप लोगों को ही निकाल के लानी है, मुझे इसमें कुछ नहीं करना है, मुझे मतलब कोर्स कुछ नहीं भेजना है, तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इस वैकेंसी से रिलेटेड। तो आप लोगों को ही ये वैकेंसी निकलवानी पड़ेगी आयोग से। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे आयोग ने जो है ये वैकेंसी 2021 PET के बाद जो कैलेंडर निकाला था उसमें ये देने को लिए बोला था, ठीक है ना। तो आयोग ने अभी तक इस भर्ती को मतलब गोल कर दिया है बिल्कुल। तो आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ पे आप लोग RTI नाम सुना होगा, RTI एक्ट के तहत इन्फॉर्मेशन मांगिए आप लोग आयोग से, और आप लोगों को 100% सही जानकारी दी जाएगी RTI एक्ट के तहत। आयोग के पापा तक को ये मतलब सही इन्फॉर्मेशन देनी पड़ जाएगी। RTI एक्ट के को आप लोग हल्के में मत लीजिए, बहुत बड़ी चीज़ होती है। संविधान ने ये हक दिया है सभी लोगों को कि RTI एक्ट के तहत आप लोग जो हैं मतलब राइट टू नो इन्फॉर्मेशन, मतलब जो है आप लोग इसमें कोई भी जो है सही इन्फॉर्मेशन आप लोग मांग सकते हैं और आयोग को देना पड़ेगा।
और कैसे करनी है आईटीआई, इसके बारे में आप लोग यूट्यूब पे देख ही सकते हैं और उस पर देख के पूरी तरह से समझ के आईटीआई ज़रूर कीजिए आप लोग। और आप लोगों को इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, आप लोगों को जो एग्रीकल्चर वैकेंसी की जो सही स्थिति है वो पता चल जाएगी। कहीं कोई बोल रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला है, या कहीं बोल रहा है अध्याचन में अटका लटकी पड़ी हुई है, कहीं बोल रहा है कि जो आप लोगों का जो रिजर्वेशन होता है उसमें प्रॉब्लम है, कभी आयोग बोल रहा है कि कुछ भी, मतलब ऐसे बहाने बना बना के छात्रों को थका देता है और छात्र बार बार धरना प्रदर्शन देने जाते हैं और बाद में एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है और छात्र वापस आ जाते हैं। हालांकि छात्र बड़ी मेहनत से धरना प्रदर्शन करते हैं और फिर भी छात्रों को मन मुताबिक कोई परिणाम देखने को नहीं मिला है। तो आप लोग एक छात्र नहीं, कम से कम 600 छात्र मिलके आरटीआई एक्ट के तहत आप लोग राइट टू नो, मतलब इन्फॉर्मेशन जो होता है आरटीआई, आप मांगिए। आरटीआई के तहत आप लोगों को बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी। अगर ये वैकेंसी सरकार के अप्रूवल की वजह से लटकी हुई है तो उसके बारे में सही जानकारी मिलेगी, अगर अध्याचन की वजह से लटकी हुई है तो उसके बारे में सही लिखित में जानकारी मिलेगी, और फिर जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर सरकार की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला है तो आप लोग सरकार से गुजारिश कर सकते हैं, सरकार को लेटर दे सकते हैं, गवर्नमेंट को, योगी आदित्यनाथ जी को आप लेटर दे सकते हैं, या आप मतलब कृषि मंत्री जी से बुलवा के, मतलब अध्याचन दे के जो भी है आप लोग ज्ञापन दे के अपनी बात रख सकते हैं और इस वैकेंसी को आगे बढ़ाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आरटीआई अगर आप लोग डालेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल सही सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप लोग उसका सही सही जो है प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ पाएंगे। नहीं तो ऐसे धरना प्रदर्शन होता रहेगा, आयोग लॉलीपॉप देता रहेगा और ये टाइम निकल जाएगा, फिर ये वैकेंसी आने की है नहीं। आप लोगों को बता दूं, पीसीएस के छात्र जब परेशान हो जाते हैं, जब उनको सही से जानकारी नहीं मिलती है और पीसीएस के छात्र या आईएएस के छात्र जो भी हो, तो वो लोग आरटीआई एक्ट के तहत ही जानकारी मांगते हैं लोक सेवा आयोग से। और अधि जो यूपीपीएससी है, आप लोग मतलब उससे पीसीएस के छात्र सही जानकारी लेते हैं, फिर उसके हिसाब से उनका जो भी आगे की प्रक्रिया होती है वो करनी होती है वो करते हैं। तो आप लोग इधर उधर भटकने की बजाय एक बार आरटीआई एक्ट करके देखिए, आरटीआई राइट टू नो इन्फॉर्मेशन के तहत जानकारी मांगिए, और ज़्यादा महंगा नहीं होता है ये, बहुत सस्ता होता है। यूट्यूब से जानकारी ले लीजिए आप लोग, मैंने रास्ता बता दिया है, अब आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। और यही मेन मकसद था इस वीडियो बनाने का, आप लोग आशा करता हूँ पूरी बात समझ गए होंगे। और अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे और वीडियो देखने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।